बैराज से दिल्ली की ओर छोड़ा गया भारी मात्रा में पानी यमुना नदी के आसपास लगते गांव के लिए खतरा बनता दिखाई दे रहा है। पानी का बहाव तेज होने से आसपास के खेतों में फसलें जलमग्न हो गई हैं, बुरी तरह खराब हो गई हैं। इतनी भारी मात्रा में पानी आने से आसपास के किसानों का कहना है कि हर वर्ष यहाँ पर बारिश के दिनों में हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी के माध्यम से दिल्ली की ओर पानी छोड़ा जाता है, जिससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को जान माल का नुकसान होने का खतरा बना रहता है। इसलिए ग्रामीणों ने सरकार से अनुरोध किया है कि समय रहते वह पानी को संभालने के लिए पुख्ता प्रबंध करने चाहिए, ताकि जब यमुना नदी में पानी छोड़ा जाए तो खेतों में जो फसलें खड़ी हैं उनका नुकसान ना हो। यह हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से यूपी हरियाणा की सीमा पर पिल्लर लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है, परंतु भारी मात्रा में पानी आने से ग्रामीण क्षेत्रों में खतरा बना हुआ है और अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे और भी पानी अगर हथनी कुंड बैराज से दिल्ली की ओर छोड़ा गया तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि समय रहते वे बाढ़ को रोकने के उचित प्रबंध करें। देखिए एक रिपोर्ट। और कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, सरकार ने थोड़ा अलर्ट तो किया है, ऐसी बात नहीं, इंतजाम भी किए हैं, अभी बंदा लगाया है चारों तरफ। अच्छा। लेकिन इसके बारे में कहना चाहेंगे कि आगे का जो बंदा है वो टूटने की कगार पे है, थोड़ा उस पर ध्यान दिया जाए। यही सरकार पानी रोकने का प्रबंध यह किया गया है कि तार बैठ कराई गई है, बंधा लगाया गया है, सीमेंट के कट्टे लगाए गए हैं मिट्टी से भर के, इस तरह से बंधे लगाए गए हैं चारों तरफ। तो अब इससे ज्यादा होगा सरकार क्या करेगी? अब जब ऊपर से बहाव पानी का तेज हो जाएगा तो उसके लिए अलग कुछ इंतजाम। डूबने का खतरा बना रहता है जब भी छोड़ा जाता है पानी हर साल? नहीं, अभी तो इतना तो पानी नहीं है इधर, इतना डूबने का खतरा नहीं है गाँव को, लेकिन अगर इससे ज्यादा और पानी आ गया तो तब खतरा बढ़ सकता है। लेकिन साथ में बरसात का मौसम है, बरसात इतनी तेज थी, जो पानी ऊपर से ज्यादा आएगा तो खतरा तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा ना। तो अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन अब मैं भी सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि और ज्यादा कड़े इंतजाम किए जाए। अगर ऊपर बरसात ज्यादा हो जाती है और पानी ऊपर से ज्यादा आता है तो आगे जितना पानी ऊपर से ज्यादा आएगा उतना खतरा बढ़ता चला जाएगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि और अपने इंतजाम कड़े किए जाए। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी मैम, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। कहाँ के, आसपास के गांव के? मैं यहीं बडोली, बडोली गांव से। भाजपा सब खतरे में आए हैं, सरकार की तरफ से जो कोई कार्रवाई की गई है यहाँ पर? फिलहाल कुछ नहीं हुई कार्रवाई, बताया गया है कि कुछ खतरा है या पानी छोड़ा गया है पीछे से? भाई बलेड़े गाँव में कल पानी आ गया, बहुत पानी आना शुरू हो गया। पानी आ रहा बलेड़े गाँव में, कल खबरों में था पानी आना शुरू हो गया है पीछे से, मतलब वो टूट रही पट्टी टूट गई वहाँ बलेड़े में। अच्छा, टूटना भी शुरू हो गया घरों उधर गाँव की तरफ पानी भी थी, सको झुकी उठ गई सारी बलेड़े में। तो अजी प्रशासन तो आप भी तो करोगे, आप ही कहोगे, हम तो यहाँ खड़े हैं। आप क्या गुहार लगाते हैं अगर आपका गांव है तो डूबने की कगार पे आता है? अजी कुछ भी सही, कोई समाधान तो होना चाहिए पटड़ी का। पानी है ही करता काम, ने तो काम बच्चे बनी जाएंगे जी। धन्यवाद। पीछे बाढ़ आ सका है, पीछे प्लेन है, यहाँ कह रहा है ना, यहाँ की बात नहीं हो रही है सर, इस वक्त बात हो रही है इसके आसपास गांव की, जिससे उनका नुकसान हो सकता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो कुछ फसल है ये बीच में बहुत रखे लोगों ने। हाँ जी, ये खत्म हो गई, अभी तक अलर्ट जारी नहीं किया गया है, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? प्रशासन ने क्या क्या तैयारी की है यहाँ पे? प्रशासन ने पहले पकड़े छप्पर कार कुछ घर वगैरह रखे इंतजाम करके। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे सर? लास्ट में तो ये कहना चाहेंगे अगर ज़्यादा पानी छोड़ रखा है तो वहाँ उस साइड में आपका जो बंदा है वहाँ नुकसान हो सका, वहाँ थोड़ा पेड़ वगैरह भी रख रहे हैं, प्रशासन को घेरना चाहिए।